नमस्कार, मैं गुप्ता शिवम गौतम। कल भी हमने आपको बताया था, जब परमबीर सिंह जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, तब उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी स्कैम किया है और इसका क्वांटम उसने बताया था 40,000 करोड़। लेकिन अब जब रिपब्लिक टीवी ने उस एफआईआर को ढूंढ निकाला और उस गवाह को ढूंढ निकाला जिसकी बिना पर विशाल वेद भंडारी नाम का वो व्यक्ति जो हंसा में काम करता था, हंसा वो एजेंसी है जो बार्क के लिए टीआरपी के बैरोमीटर लगाती है, और उसने खुलासा किया था कि इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल, इंडिया टुडे जो अंग्रेजी का चैनल है, उसको देखने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। और ये काम विशाल वेद भंडारी ने किया था विवेक नाम के विनय नाम के दूसरे व्यक्ति के कहने से, और इंडिया टुडे ने कराया था ये पूरा का पूरा टीआरपी घोटाला। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ परमबीर सिंह इंडिया टुडे को बचा गया और सारा इल्जाम उसने थोप दिया था रिपब्लिक टीवी के ऊपर। लेकिन बाद में जब एफआईआर ढूंढ निकाली रिपब्लिक टीवी के हेड अर्णब गोस्वामी ने, तो उसमें पता चला कि इंडिया टुडे का नाम उस एफआईआर में 6 बार आया है। इसको लेकर जब परमबीर सिंह से सब पूछा गया तो उसने सफाई दी कि मैंने जांच की थी और उस जांच में इंडिया टुडे का नाम था और इस नाम को छुपाया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरीके से दिशा सालियान की मौत को कुछ ही घंटों में आत्महत्या घोषित कर दिया गया था और रिया चक्रवर्ती को निर्दोष घोषित कर दिया गया था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया था, उसी तरीके से परमबीर ने मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहते हुए इंडिया टुडे जिसके खिलाफ शिकायत थी, जिसके नाम 6-6 बार था, उसको क्लीन चिट दे दी और उसी के चैनल पर जाकर वो बातें बनाने लगा, उसको मंच मुहैया कराया इंडिया टुडे ने। यह कितना बड़ा घोटाला है और अब उन सारी बातों को परमबीर को करना पड़ेगा जो उसने रिपब्लिक के बारे में कही थी। दरअसल कल परमबीर ने यह कहा था कि मैं रिपब्लिक टीवी के अकाउंट को फ्रीज कराऊंगा, अकाउंट की जांच होगी, एडवर्टाइजर से कितने पैसे मिले हैं, किन किन एडवर्टाइजर्स ने उसको कॉन्टैक्ट किया है उनके साथ में, और किन किन एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको ज़्यादा पैसा अब मिल रहा है टीआरपी बढ़ने की वजह से। लेकिन इस पूरे खेल में वो लोग भी बेनकाब हो गए हैं जो कहने को ना इंडिया टुडे से हैं ना रिपब्लिक टीवी से। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि रिपब्लिक टीवी पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो बल्लियों उछलने लगे थे और इसमें जी न्यूज़ से लेकर इंडिया टीवी तक तमाम दूसरे चैनल जो कि जल रहे थे रिपब्लिक टीवी की टीआरपी से, उन सभी को भी अब एक्सपोज कर दिया है पब्लिक ने, क्योंकि ये लोग भी रिपब्लिक टीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब भेद खुल गया है कि 9 हफ्तों से रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत नंबर 1 की कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ये जो पैसा दिया गया था ये अक्टूबर 2019 से लेकर मई 2020 तक के लिए दिया गया था, यानी कि ये घोटाला उस समय का है जब इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल आज तक नंबर 1 बना हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया टुडे और आज तक ने किस तरीके से सालों तक टीआरपी का घोटाला किया। और जैसा कि परमबीर ने कहा था कि अगर 9 हफ्ते के लिए रिपब्लिक टीवी के लिए घोटाले की क्वांटम उसने 40,000 करोड़ बताई थी, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया टुडे और आज तक ने इस टीआरपी के घोटाले में लाखों करोड़ का माल बनाया होगा। बकौल परमबीर सिंह, क्योंकि हम भी जानते हैं हम इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता, ये घोटाला जरूर है लेकिन इतने बड़े स्तर का नहीं, पर परमबीर कह रहा है और परमबीर तो परम ज्ञानी है और परम ज्ञानी इसलिए भी है कि इसी व्यक्ति ने थाने का कमिश्नर रहते हुए तमाम कई घोटाले किए थे और उसके बाद में सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट भी देने वाला व्यक्ति परमबीर सिंह ही था। और यही वो परमबीर है जिसने एक अवला साध्वी के ऊपर, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था और जिसको कैंसर भी था, उसके ऊपर उसके शरीर पर बेल्ट बरसाए थे जब तक ये थक नहीं गया था, और इसका खुलासा भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने किया था। तो इस तरीके का निर्लज्ज इंसान है ये, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला, अपराधियों को बचाने वाला और भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देने वाला। यही वजह है कि इसने बड़ी जल्दी से 20 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी इंडिया टुडे ग्रुप को आज तक को, जबकि उसमें से 8 घंटे ये सोता रहा था। इसको लेकर अर्णब गोस्वामी ने आज इस पर बड़ा हमला बोला और इससे कहा कि तुम जो जो मेरे बारे में कह रहे थे कि मुझे थाने बुलाकर पूछताछ करोगे, मेरे अकाउंट फ्रीज करोगे, मेरी तमाम जांच करोगे, अब वही तुम इंडिया टुडे ग्रुप के हेड अरुण पुरी और उसकी बेटी के खिलाफ करके दिखाओ, उसके तमाम पत्रकारों को
अपने थानों में बुलाकर पूछताछ करो, चाहे रोहित सरदाना हो, राहुल कमल या राजदीप सरदेसाई, अंजना उपकश्यप या चित्रा त्रिपाठी जैसे जितने भी उनके छुटवैये पत्रकार हैं या बड़े पत्रकार हैं, उनसे पूछताछ करो और ये बताओ कि इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में तुम्हारी सेटिंग क्या है। दरअसल परमबीर सिंह काफी सेटिंग करने का माहिर व्यक्ति है और इसको लेकर एक और बड़ी बात अर्णब गोस्वामी ने कही है कि अगर पैसे के बल पर टीआरपी खरीदी जाती होती तो रिलायंस ग्रुप का चैनल है न्यूज 18 ग्रुप और रिलायंस इस पैसे के दम पर उसको नंबर वन बना चुका होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये बात अब परमबीर सिंह के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि पूरे देश से परमबीर सिंह नाम के इस परम भ्रष्टाचारी पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग हो रही है। ये कितना अक्षम है, कितना विरोधाभासी बयान देता है, कितने ज़्यादा कदाचार का दोषी है, इसलिए अब इसको ससमान बचने के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी कुकर्मों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी मांग भी उठ रही है, तमाम जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि परमबीर ने जो कुछ किया है वो निश्चित तौर पर एक तरीके का भ्रष्टाचार है, एक तरीके का मॉरल टर्पिट्यूड है और उसके लिए उसे माफ़ी मांगते हुए अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से फिर आप ईमानदारी की और कर्तव्य निष्ठा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दरअसल जो गड्ढा खोदने की कोशिश आज तक चैनल इंडिया टुडे ने रिपब्लिक टीवी के लिए की थी, अब ऐसा लगता है वो उसी गड्ढे में गिर के दफन होने वाले हैं, क्योंकि परमबीर का झूठ 6 घंटे भी नहीं चला और आज तक का जो नाम था इंडिया टुडे का जो नाम था FIR में, अब वो भी सामने आ गया। हालांकि परमबीर ने उस FIR को छुपाने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि FIR दर्ज हुई थी लेकिन हमने जांच की है और जांच में इसने 2 मराठी चैनलों को बंद करने की बात कही थी और ये कहा था कि रिपब्लिक टीवी को भी ये बंद करवा देगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है इसकी FIR 1 अक्टूबर को दर्ज हुई थी, शिकायत 1 अक्टूबर को मिली थी, 6 तारीख को FIR होती है और उस FIR में बार बार इंडिया टुडे ग्रुप का नाम आता है, लेकिन निर्लज्जता देखिए कि कल जैसे ही परमबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद सबसे पहले राजदीप सरदेसाई ने इसको लेकर कटाक्ष किया और ये कहा कि देखिए TRP घोटाला खुल गया है, TRP स्कैम खुल गया है, रिपब्लिक टीवी का नाम आया है और ये खुलासा किया परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने सत्यमेव जयते। अब वो राजदीप कैसे कहेगा कि सत्यमेव जयते तो होता है निश्चित तौर पर, लेकिन राजदीप और राहुल कमल जैसे लोग जिसके एक झंडा उठाकर घूमते हैं वो सत्य नहीं बल्कि असत्य है और असत्य की हमेशा हार होती ही है, जैसा कि इंडिया टुडे के मामले में अब हो रहा है। इस FIR को आज देश का हर आदमी पढ़ रहा है, इस FIR को हर व्यक्ति एक्सेस कर रहा है। अगर परमबीर ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती, इस तरीके से इंडिया टुडे और आज तक ने हल्ला न मचाया होता, रोहित सरदाना ने दंगल न किया होता, तो शायद इस FIR को ज़्यादा लोग न पढ़ रहे होते, ये भी दब गई होती, लेकिन चूंकि इन लोगों ने दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की अब उसी का नतीजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज तक के बारे में अब नया नामकरण आप कर सकते हैं, पहले वो रिया तक बन गया था लेकिन अब वो परमबीर तक बन गया है, यानी कि आज तक चैनल सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसता है, पुलिस से इसकी सेटिंग रहती है, इसकी वजह से ये पुलिस वालों के साथ मिलकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंटरेस्ट लेने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था कि इंडिया टुडे ग्रुप आज तक चैनल परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि परमबीर सिंह को पहले ही पता चल गया था कि इंडिया टुडे ग्रुप स्कैम करता है TRP का और उसको दबाने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने परमबीर को बचाने का सौदा किया था। उसी तरीके से जैसे कि अब FIR के नाम आता है इंडिया टुडे का और उसमें बदनामी मिलती है रिपब्लिक टीवी को, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें इतनी जल्दी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, इतनी जल्दी वीडियो सामने आ जाते हैं कि उस गवाह ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमारे घर पर विशाल वेद भंडारी आया था और उसने कहा था कि आपको 2 घंटे इंडिया टुडे नाम का अंग्रेजी चैनल देखना है, इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे और पैसे दिए भी गए थे। हंसा कंपनी के इस अधिकारी को, इस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया और बार्क जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक एजेंसी है उसने भी इस पर अपना बयान दे दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि इसमें रिपब्लिक टीवी की कोई जिक्र तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रिपब्लिक टीवी को जो निशाना बनाया गया है उसको लेकर
लेकर। रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में न केवल वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस परमबीर सिंह के खिलाफ करेंगे बल्कि उन तमाम चैनलों के खिलाफ भी ये केस किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस झूठी खबर को बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया, पूरे देश को गुमराह किया और एक उभरते हुए चैनल को, एक व्यक्ति की मेहनत को, अपने ही बीच के एक पत्रकार को, उसकी जो सफलता है उसको गाली देने की कोशिश की। निश्चित तौर पर अर्णव ने जो कहा है कि पैसे के दम पर अगर टीआरपी खरीदी जा सकती तो अनिल अंबानी, तो मुकेश अंबानी इस टीआरपी को सबसे ज़्यादा खरीद लेते और अपने न्यूज 18 ग्रुप को वो नंबर वन पे ले आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सीधे तौर पर परमबीर सिंह, आज तक और इंडिया टुडे जैसे जो लोग हैं या टाइम्स नाउ, जी न्यूज जैसे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल सुधीर चौधरी ने भी इस पर एक बड़ी डीएनए करने की कोशिश की और उस डीएनए में सुधीर चौधरी एक्सपोज तो करना चाहता था अर्णव गोस्वामी को, लेकिन उसकी खुद की पोल खुल गई। तो ये सारा का सारा जो मैटर है, जो लोग दूसरे से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो केवल मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही उसके खिलाफ अगर अफवाह भी सामने आती है तो वो अपना असली रूप दिखा देते हैं, अपना विश्व भमन करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि रिपब्लिक के बारे में हुआ। लेकिन जनता को ये पता था कि रिपब्लिक टीवी ने जो टीआरपी हासिल की है उसके पीछे उसकी रिपोर्टिंग है, उसके पीछे उसकी खोजी पत्रकारिता है, जिसकी वजह से उसने न केवल मुंबई पुलिस को एक्सपोज किया, महाराष्ट्र की सरकार को एक्सपोज किया, संजय राउत उद्धव ठाकरे को धूल जटाई, बल्कि हाथरस वाले मामले में भी कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश करके एक बड़े दंगे को होने से रोक लिया। और यही इन सबसे पच नहीं रहा, हमने पहले भी आपको कहा था कि ये सारी की सारी साजिश शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि परमबीर सिंह आज सुबह भी शरद पवार से मिला है और शरद पवार से उसने अपने को बचाने की याचना की है। जय हिंद, जय भारत।